हेलो दोस्तों, गोल्डन फ्लूट में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रवीण गुरु है और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ सैराट मूवी का, सैराट झालाजी गाने का फर्स्ट जो ट्यून है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। वो मैं आपको एकदम कट टू कट ट्यून बताने जा रहा हूँ, तो आप उसको प्लीज नोट डाउन करके लीजिए। और मैं आपको मेरे जो नीचे वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, वो लिंक में मैंने बताया गया है, मतलब वो लिंक पे आप क्लिक करो, वहाँ पे एक ब्लॉक आएगा, वो ब्लॉक में मैंने उसका नोटेशन भी लिख के उसका इमेज डाल दिया है, तो आप उसको भी देख के बजा सकते हो। और अगर वीडियो चाहिए तो आप ये वीडियो भी देख कर सीख जाओगे। तो मैं अभी पहले आपको वो ट्यून पूरा बजा के दिखाता हूँ, बाद में मैं आपको वो पूरा दिखाता हूँ। बाद में गाना स्टार्ट होता है, तो ये जो ट्यून है वो बहुत इजी है और इसमें लास्ट में थोड़ा गमक भी यूज किया गया है। अगर आपको गमक में कुछ दिक्कत होगी तो इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें गमक कैसे बजाने का वो दिक्कत बताया मैंने आपको, तो अगर उसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये ट्यून में और मजा आएगा। तो अब मैं आपको बेसिक से ये बताता हूँ कैसे बजाने का, उसके सरगम बताता हूँ। सारे ग धा 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 सारे ग ध ध ध सारे ग ध सारे ग ध एक शुद्ध है, बाद में कोमल ध फिर से शुद्ध ध। पहले इसी पार्ट की सिर्फ प्रैक्टिस करो, इसी पार्ट की सारे ग ध ध ध सारे ग ध ध ध ये पार्ट पे आपके अगर कमांड आई तो उसके बाद में आगे जाए। अभी देखो, सारे ग ध ध ध नि सा नि ध सारे ग ध ध के बाद सिर्फ नि सा नि ध इजी। उसके बाद में आगे का जो पोर्शन है, पहले जो आप बजाते सारे ग ध ध नि सा नि ध, बाद में आप बजाओगे सारे ग ध ध ध नि रे सा। देखो बाद में जो है सेकंड पर तो जो आ तो वो रे से सा, ये जो छोटी छोटी चीजें रहती है दोस्तों, तो उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट आता है और वो सुनने में बोरिंग भी नहीं लगता। इससे आप पूरा डिटेल से एक बार कैसे पूरा बजाएंगे तो उसमें इफेक्ट भी और प्रोफेशनल लगेगा वो। तो अभी देखो, ये फर्स्ट पार्ट सारे ग ध ध ध नि सा नि ध, सेकंड पार्ट सारे ग ध ध ध नि रे सा ध। अभी आगे गमा प ध प म सारे ग, अभी इसमें म जो बजाने का है हमें वो तीव्रमा बजाने का है। तीव्रमा मतलब हम शुद्धमा ऐसे बजाते हैं आधा छोड़ के, तीव्रमा मतलब पूरा छोड़ के बजाने का। देखो ग म ग म प ध प म सारे ग म प ध प म सारे ग,
गम प म सारे ग, ये तो इधर तक क्लियर हो गया। देखो फिर से पहले से बजाते हुए देखो तो। गमा पधा प म सारे ग, गमा पधा नी प म सारे ग, सेकंड जो लाइन है गमा पधा नी प म सारे ग। गमा पधा नी प म सारे ग, ये इधर तक हो गया। बाद में गमा ग स्टॉप, फिर से उठाने का। गमा गमा पधनी सारे, गमा पधनी सारे सानी धा, देखो। सानी ध ध ध, एक ध कोमल है इसमें। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है गाने में ध, जो कोमल बहुत बार यूज किया गया है। ध ध को शुद्ध ध और कोमल ध दोनों भी यूज हुए हैं इस गाने में। तो आपको इम्पोर्टेंट ये बात करनी है कि अगर ध आपको अगर कोमल बजाना नहीं आ रहा है तो प्लीज आप पहले कोमल स्वर की प्रैक्टिस करें अच्छे से तरह से, बाद में आप ये टून अच्छी तरह से बजा सकोगे। और जो मैंने लास्ट में ध दिखाया, गमक कहाँ पे है वो बताता हूँ अभी। लास्ट की लाइन है गमा ग गमा पधा नी सारे सानी ध सानी नी सानी ध ध ध एंड। तो अभी इसमें देखो गमा कहाँ पे है वो देखो, इधर तक ठीक है। इसके आगे हमें गमक डालने का है। ये जो बज रहा वो गमक है, अगर मैं प्लेन बजाऊ तो कैसे लगेगा। कैसे लगता है, इफेक्टिव कैसे लगता है अभी देखो। गमा तो जो सब स्वर जो बजाने का है, शुद्ध स्वर तो अच्छे से बजेगी आपकी, मगर कोमल स्वर को आपको थोड़ा दिक्कत होगी। तो इसके लिए आप प्लीज कोमल स्वर की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। और जो मैंने अभी पूरा ट्यूटोरियल बताया फर्स्ट ट्यून का, तो आप इसके इसके मैंने पूरा डिटेल लिख के मैंने मेरे नीचे जो मेरे वीडियो के नीचे एक देखो लिंक दिया है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो, तो वो लिंक पे आप क्लिक करके वो ब्लॉग भी चेक कर सकते हो। और वो ब्लॉग में जाके मैंने पूरा डिटेल लिख के दिया है, तो वो आप प्लीज नोट डाउन करके लिखो और उस वो देख देख के बचाओ, तो और ज्यादा इजी जाएगा आपको। तो इसके लिए, और मैं आपको सेकंड एक ट्यून सिर्फ दिखाने जा रहा हूँ, उसके ट्यूटोरियल में आप मैं बाद में दूंगा। जो यार्ड लागला गाना है हमारा, तो उसमें जो बीच में जो एकदम स्वीट से एक ट्यून बजती है, वो ट्यून मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये आपको ट्यून में इसका भी ट्यूटोरियल आपको जल्दी ही दूंगा। तो आप अब तक जो मैंने सैराट झाले जी का जो फर्स्ट ट्यून है फ्लूट की, वो आपको दिखाई, तो प्लीज आप वो मैंने जैसा दिखाया वैसे ही फॉलो करो, तो आप एकदम परफेक्ट बजा सकोगे। तो
और फिर भी आपको कुछ दिक्कत आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, और मैं आपको उसका जवाब 24 आवर्स में देने की कोशिश करूंगा। और मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक करना ना भूले। थैंक यू, जय श्री कृष्ण।